हदीस मुबारका के अल्फाज हैं इन दुआ इबादा कि इसमें कोई शक नहीं कि दुआ एक इबादत है बल्कि दुआ तो इबादत का मगज़ है और हदीस में ये भी बताया गया कि अल्लाह सुबहाना ताली के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज़्ज़त वाली चीज़ और कोई नहीं आप सल्लल्लाहु सह वसल्लम ने फ़रमाया कि बेहतरीन तहफ़ा जो एक मोमिन अपने मोमिन भाई को देता है वो दुआ का तहफ़ा और खतिया है इसलिए आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम सब को एक दूसरे को दुआ देने और फिर उस दुआ के जवाब में एक और दुआ देने का तरीक़ा सिखाया मसल मुलाकात के आगाज़ पर असल वरम्ह तो इसके जवाब में कुरान ने बता दिया कि जब कोई तुम्हें सलाम करे तो उससे बेहतर सलाम लौटाओ व व बरकातुहू तो ये इस्लाम का एक बड़ा प्यारा सा एक अंदाज़ है जो मोहब्बतों को बढ़ाता है बाहमी ख़लूस इसार को बढ़ाता है छींक के आने पर भी हमें बाकायदा एक दुआ का तरीक़ाकार सिखाया गया बुखारी में हसरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तु की रवायत से हदीस आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम में से किसी को छींक आए तो उसे चाहिए कि क्या कहे अल्हम्दुलिल्लाह कहे कि अल्लाह का शुक्र है कुछ हवालों में अल्हम्दुलिल्लाही अला कुल हाल के अल्फाज भी मौजूद हैं यानी जिसको छींक आई वो अल्लाह का शुक्र करे और क्या कहे अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपने फ़रमाया और जो भाई उसके पास हों उन्हें जवाब में कहना चाहिए यह रहा कि वो अल्लाह तुझ पर रहम करे और जब वो ये कहें तो छींकने वाले को चाहिए कि उनके जवाब में जवाब के तौर पर कहे यहादी कुमल्ल हुआ युसल कि वो अल्लाह तुम्हें हदायत दे और अल्लाह तुम्हारे हालत को दुरुस्त फरमाए क्या खूबसूरत सा माहौल है और क्या बेहतरीन बाहमी अखुवत मोहब्बत और भाईचारे का एक मुखलसाना ईसार वाला अंदाज़ है अल्लाह हमें बाहमी मोहब्बतें अता फ़रमाए एक दूसरे को कसरत से दुआओं के तहफे खदिए देने वाला बनाए और हमारी दुआएँ एक दूसरे के हक़ में कबूल फ़रमाए